एंड वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट में सूजी के उत्पम। बहुत ही मज़ेदार और अच्छी रेसिपी है और ये झटपट बन भी जाते हैं। रोज़ एक ही तरह का ब्रेकफास्ट करके अगर आप थक चुके हैं, बोर हो चुके हैं, तो इसे ट्राई कीजिए। घर में सामान मौजूद ही होता है और आप इसे झटपट बना भी सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे मैंने कैसे बनाया है और इसके साथ लाल चटनी भी बनाई है, वो भी देखते हैं। तो शुरू करते हैं। उत्पम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप सूजी, 1/2 कप दही और थोड़ा सा नमक। सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसमें हम सूजी डाल देंगे और दही डाल देंगे। रेशियो आप ध्यान में रखिएगा, अगर 1 बाउल सूजी है तो 1/2 कप दही लेंगे, जस्ट 1/2। नमक डालकर इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और दोबारा से इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। पानी के मिल जाने तक आप इसे फेंटते रहें और उसके बाद हम इसे कम से कम 20 मिनट के लिए रख देंगे सेट होने के लिए। रवा थोड़ा सा दानेदार होता है तो इसलिए इसको फूलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो कम से कम 20 मिनट के लिए इसे आप ढक दीजिए। तब तक हम चलते हैं लाल चटनी बनाते हैं। लाल चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 टमाटर, थोड़ा सा नमक, 6-7 लाल मिर्च जिसका कि मैंने सीड्स निकाल दिए हैं, थोड़ा सी इमली और 5-6 हमने लहसुन लेनी है। अब इन सभी को हमने बॉयल करना है, तो एक कढ़ाई ले लीजिए, उसे मीडियम फ्लेम पर हमें गर्म करना है और उसमें इन सभी चीज़ों को अब हम डाल देंगे। तो टमाटर को आप चाहे बारीक काट लें या मोटा काट लें, बाद में हमें ग्राइंड ही करना है, तो अपने हिसाब से आप इसे काट लें। और गलने के बाद इमली के जो भी सीड्स होंगे वो आप निकाल दीजिएगा। तो सारी चीज़ें डालने के बाद 1/2 कप पानी डाल दें और इसमें एक अच्छा सा बॉयल आने दें। जब इसमें अच्छा सा बॉयल आएगा तब हम इसे ढक देंगे लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पकने के लिए। 2 मिनट में सारी चीज़ें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगी। तो अब मैं यहाँ पर इसको ढक दे रही हूँ। 2 मिनट के बाद हम देखेंगे कि टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और इमली भी और साथ में लाल मिर्च भी। थोड़ा सा इसे आप दबा कर देख लीजिए। अब हम गैस को यहाँ पर ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा हो जाने के बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो अब एक मिक्सर ग्राइंडर ले लीजिए और उसमें अब ठंडा हो जाने के बाद इसे डाल देंगे। तो ये सारी चीज़ें देखिए, पानी भी बहुत ज़रा सा ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ना हो। वैसे तो उबालते समय सारा पानी सूख ही जाता है, फिर भी ज़्यादा हो तो आप एक्स्ट्रा पानी निकाल दीजिए। तो ये देखिए मैंने पीस लिया है। चटनी हमारी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कलर भी बहुत अच्छा आता है खाने में, तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो लाल चटनी भी बनकर तैयार है। चलिए अब हम चलते हैं उत्पम बनाने की ओर। उसके लिए मैंने 1 प्याज बारीक काटा है, शिमला मिर्च और टमाटर बारीक काट लिया है, 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया। साथ में हम लेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा नमक। तो अब इन सभी चीज़ों को भी अब हम एक बाउल में डाल देंगे। तो यहाँ पर 1 टमाटर, 1 प्याज और 1 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, साथ में धनिया और हरी मिर्च, गरम मसाला और नमक। तो इन सभी को मिलाकर हम बाउल में रख देंगे। आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता हो तो। तो अब ये उत्पम के लिए टॉपिंग हमारी तैयार हो चुकी है, बस इसे आप मिला दीजिए। अब हमारी सूजी भी सेट हो चुकी होगी क्योंकि 20 मिनट होने वाले हैं, तो उसे भी अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए सूजी भी फूल गई है और फूलने के बाद ये काफ़ी थिक हो जाती है। तो बैटर की थिकनेस आपने वैसे ही रखनी है जैसे कि हम इडली बनाते हैं, तो उस तरह की थिकनेस हमें यहाँ पर चाहिए। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और उसे हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तो कितना गाढ़ा चाहिए ये अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। कंसिस्टेंसी आप इसकी खुद ही देख लीजिए, इडली के बैटर जैसी रखी है मैंने। तो अब चलते हैं हम उत्पम बनाते हैं। तो बहुत ही झटपट रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाती है, तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। अब एक मीडियम फ्लेम पर हम तवे को गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद इस पर थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करना है, वो भी आप ब्रश से करें क्योंकि इसमें ऑयल बहुत कम यूज़ होता है। वेट लॉस के लिए भी ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो ऑयल लगाने के बाद अब हम इस बैटर को डालेंगे। तो यहाँ पर मैं मिनी उत्पम बना रही हूँ, तो 1 कड़छी इस तरह से इस पर मैं डालूंगी और हल्का सा इसे इस तरह से फैला दूंगी। तो एक बार में यहाँ पर मैं 3 उत्पम तैयार कर रही हूँ, आप चाहे तो 4 भी बना सकते हैं। तो इस तरह से जब हम इसे डाल देंगे और इसके ऊपर अब हम टॉपिंग करेंगे वेजीज की, तो वो भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने जैसे प्याज, शिमला मिर्च और गाजर ली है, आप और कोई भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो इन सभी के ऊपर इस तरह से आप सब्जियों को डाल दीजिए। डालने के बाद अब हम इसे हल्का सा प्रेस करेंगे। तो थोड़ा सा स्पेस ज़रूर इसमें दीजिएगा ताकि जब हम इसे इस तरह से प्रेस करें तो ये थोड़ा सा और फैलेगा। तो जब हम पहली बार बैटर डालेंगे तो थोड़ा सा स्पेस देकर ही डालेंगे।
तो अब हम इसे लो फ्लेम पर एक मिनट के लिए ढककर पका लेते हैं। एक मिनट में ये थोड़ा सा फूल भी जाएंगी और नीचे से पकनी स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा घी ताकि ये इस तरफ से भी चिपके ना और अच्छी तरह से सिक जाए। तो हल्का हल्का सा घी तीनों के ऊपर अब आप डाल दीजिए और पलट कर अब हम इसे भी पकाएंगे 1 से 1.5 मिनट तक। तो सब्जियां भी थोड़ी सी पक जाएंगी और उत्पम भी आपका फूल जाएगा और बहुत अच्छी तरह से पक जाएगा। तो अब मैं इसे पलट दे रही हूँ। पलटने के बाद अब कम से कम 1.5 मिनट तक इसे दोबारा ढककर आप रख दें। तो अब इसे मैं दोबारा ढककर रख दे रही हूँ। 1.5 मिनट के बाद अब मैं फिर इसे ओपन कर रही हूँ। तो ये बहुत अच्छी तरह से देखिए पक चुकी होंगी सब्जियाँ भी और उत्पम भी फूल चुका होगा। अब आप इसके ऊपर थोड़ा सा घी और लगाइए ताकि इस तरफ से ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए और बहुत ही टेस्टी लगे। तो हल्का सा ऑयल स्प्रेड करने के बाद अब इसे हम दोबारा से पलटेंगे और 1 मिनट तक हम इसे और पकाएंगे। 1 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये दूसरी साइड से कितना अच्छा सुनहरा हुआ है और कितना क्रिस्प हो गया है। तो 1 मिनट के बाद ये देखिए दोनों तरफ से ये अच्छी तरह से अब ये पक चुका है। तो है ना बहुत ही झटपट और टेस्टी रेसिपी। तो अगर आपका कुछ चटपटा और कुछ अलग सा खाने का दिल करे तो आप इसे झटपट बनाकर खा सकते हैं। ये बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आता है, बहुत ही जल्दी बनने वाला नाश्ता है। तो आप भी इसे ट्राई कीजिए और अपने अनुभव ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए। तो लाल चटनी के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगता है, साथ में आप इसे खा सकते हैं नारियल की चटनी के साथ भी। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी एक नई ट्रिक के साथ। हैप्पी कुकिंग।